एक और वेक्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इफ ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम मतलब ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तभी तो उनको मालूम है ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस्थिटॉल और इसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा क्योंकि ऑलरेडी ये मैग्नीट्यूड ही है स्केलर वैल्यू है आ गया अभी ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा ये यूनिट वेक्टर आता और ये यूनिट वेक्टर है इसलिए यदि हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ए बी साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो वन है हमारे पास ये दो वैल्यू आ गए और ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा क्यों क्योंकि ए डॉट बी मोड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ए बी कैंसल ठीक है तो कॉस् थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो यदि हम थीटा से डिवाइड कर देंगे कॉस् थीटा बाई कॉस् थीटा या साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया वन इज इक्वल टू टेन थीटा यानी कि टेन थीटा वन का होता है टेन फोर्टी फाइव डिग्री में यानी कि पाई बाई फोर में होता है यह फोर्टी फाइव डिग्री थीटा इज इक्वल टू फाइव आई फोर रेडियन तो ये हो गया आपका आंसर फोर्टी फाइव डिग्री होगा जब मोडुलस ऑफ एड बी एंड ए क्रॉस बी आर इक्वल